नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गांधीनगर में महिला आर्थिक विकास निगम महिला कला और शिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। महिला और बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बबरिया ने गांधीनगर में महिला कला एवं शिल्प महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि गुजरात के भाटीगल हस्तशिल्प की समृद्धि विरासत को जीवित रखने में महिला हस्तशिल्पियों का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। इस सिलसिले में गांधीनगर उत्तर की सांसद श्रीमती रीटा बेन पटेल ने भी महिला हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित किया। अप्रसंगीय प्रबंध निदेशक गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम डॉक्टर हसद जैस्मीन के निर्जला सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग भी उपस्थित रहे। गुजरात के भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में इतिहास बनेगा। 51,000 अहिरानियों का महारास होगा आयोजन। 5,000 साल पहले 16,000 गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रास रचाया था। महारास के लिए 37,000 से ज्यादा अहिर समाज की बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रत्येक जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन जारी है। भगवान कृष्ण की मोक्ष भूमि भालका तीर्थ में आयोजित की गई बैठक अहिरानी महारास को लेकर अहिर समाज की बहनों की बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न जिलों से अहिर समाज की बहनें उपस्थित रहीं। महारास के साथ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 51,000 अहिरानियों और महारास एक साथ होंगे। कृष्ण भक्ति में पारंपरिक पोशाक के साथ अहिरानी का महारास विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। જે દ્વારિકા ખાતે જગત મંદિર જે છે, અમારું આહિરોના આરાધ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ધામ છે, ત્યાં 16,108 આહિરાણીઓ એક સાથે પોતાના પરંપરાગત પહેરવેશમાં જે મહારાસ કરવા જઈ રહી છે, એના અંતર્ગત આજે ભગવાન ભાલકેશ્વરના સાનિધ્યમાં આવવા નિમિત્તે અમારી આહિર બહેનોની એક મીટિંગ મળી હતી, જેમાં અમારા સમાજના વડીલોએ પણ સમર્થન આપ્યું હતું। આ મહારાસ એ માત્ર મહારાસ જ નહીં, परंतु हमारो समाज व्यसन मुक्त बने। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महापर्व होने की वजह से देश विदेश का सबसे जाना माना पौराणिक चोटीला डूंगर माँ आद्याशक्ति चामुंडा के दर्शन करने के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। चामुंडा माता जी के दर्शन कर भक्त जहां माता जी के महंत परिवार को गुरु मानकर पूजते हैं, वहीं भक्तों ने चामुंडा माता जी पहाड़ी के महंत परिवार का आशीर्वाद भी लिया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और सौराष्ट्र से आए श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर पवित्र हो गए। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चोटीला थाना पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। चोटीला चामुंडा माता जी मंदिर दरेक भक्तजनों शिष्यजनों माता जी दर्शने आवता तेमने माताजीना खूब खूब आशीर्वाद छे। गुजरात अरवली के मेघरज नगर में पागल कुत्तों का आतंक बरकरार है। 6 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। स्टेट बैंक के पास कुत्ते ने आतंक मचाया। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह की मॉर्निंग वॉक पर निकलने के लिए भी नागरिकों को डर महसूस हो रहा है। बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब वो वहीं रास्ते से स्कूल जाते हैं। शहर में बस स्टैंड, मदनी सोसाइटी सहित इलाकों में कुत्तों का आतंक है। ग्राम पंचायतों से कुत्तों को तुरंत पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की मांग की जा रही है। तपोवन में ऋषिकेश बाइक रेंटल वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल और व्यापारी राजीव कालिया पहुंचे। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए सम्मान किया। वहीं कहा कि सभी अतिथियों की बदौलत ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में बेरोजगारों को रोजगार करने का मौका मिला है। ये मौका बाइक रेंट पर देकर रोजगार शुरू करने के रूप में मिला है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को काम करने के लिए मोटरबाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में हजारों युवाओं को मोटरबाइक टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पाने का मौका मिला, लेकिन कुछ होटल वाले बाइक खरीदकर उन्हें रेंट पर देने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा प्राइवेट बाइक को भी किराए पर दिया जाता है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। अच्छी बात है कि जो हमने सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने की सोच के साथ यहाँ पर मोटरबाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी और उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडाइज भी किया था कि बच्चे हमारे लड़के जहाँ उससे रोजगार प्राप्त करें, वहाँ गांव सुदूर क्षेत्र के लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। वरना गरीब आदमी को कभी कभी मजबूरी में कहीं जाने के लिए पूरी टैक्सी का भाड़ा देना पड़ता था, नीचे तो मंगानी पड़ती थी। तो मोटरबाइक टूरिज़म से एक तो ये फ़ायदा था कि एक आदमी उस जो यहाँ का आम आदमी है उसको कभी अगर शहर की तरफ जाना भी होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और भाजपा में उत्साहित नजर आ रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों में समान नागरिकता संहिता का डर का माहौल बनाने का कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील
अपील की है कि धार्मिक मामलों में इस कानून से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में ना आए। नूरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में और देश में मुस्लिम समाज के अंदर इस कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला जा रहा है। इसके अंदर समान नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई ज़रूरत, धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में ना आए, पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। जिला पर्यटन विकास समिति के तत्वाधान में जोशीमठ में 6 दिवसीय नेचर एंड फॉरेस्ट गाइड प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी है। युवाओं को प्रेरित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हर साल जिले में लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का जानने के लिए कुशल और अच्छे जानकार नेचर गाइड की जरूरत होती है। एक अच्छा नेचर गाइड इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो पर्यटकों को यहाँ के संघ पेड़ पौध पुष्प वन्यजीवों पर्वत झरने नदी और प्राकृतिक रहस्यों की जानकारी दे सके। इससे पर्यटकों को प्राकृतिक की जानकारी और नेचर गाइडों को अच्छा स्वरोजगार मिलेगा। स्थानीय युवाओं को एक अच्छा प्राकृतिक गाइड के रूप में करियर शुरू करने के लिए अनुभवी और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से नेचर गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिल सके। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है, तो इसमें जो हमारे नेचर गाइड हैं उनको थोड़ा और डेवलप करने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए और बेटर क्वालिफाइड नेचर गाइड डेवलप करने के लिए ये 6 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोशीमठ से इसका प्रारंभ हो रहा है और 2 दिन के क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भी वैली ऑफ फ्लावर्स में जाएंगे। इसमें हमने विभिन्न जगहों से हमने विशेषज्ञों को बुलाया है। आज से सावन के महीने के आगमन के साथ ही कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। इस दौरान शिव भक्त कांवड़ी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर उसे अपने घर गांवों शिवालयों में गंगा जल अर्पित करेंगे। आज पहले दिन हजारों कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं और पैदल कांवड़ पटरी से होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए प्रदेश का रुख कर सकते हैं। केसरिया कपड़े और कंधों पर कांवड़ उठाए कांवड़िए हरिद्वार के मुख्य स्नान घाट हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर समूह और टोलियों में सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। ये कांवड़िए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों से लंबी दूरी तय करके यहां पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के आगमन में तेजी मेले के आखिरी सप्ताह में आएगी और उस समय हरिद्वार, ऋषिकेश तथा आसपास का पूरा इलाका केसरिया हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों को उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ियों के लिए पेयजल समेत सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। कांवड़ पटरी मार्ग कांवड़ मेला क्षेत्र पर करीब 10,000 पुलिस के जवानों के साथ 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 12 कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बम निरोधी तथा आतंकवादी निरोधी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में चयनित स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी तथा हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन कैमरा भी लगाए गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए मेले के दौरान संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हरिद्वार को 12 सुपर जोन, 13 जोन और 153 सेक्टर्स में बांटा गया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों को व्यवस्थाओं तथा मार्ग के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून के पहले दिन रुक रुक कर हुई लगातार बारिश के चलते पिंडारी ग्लेशियर से बहकर आने वाली पिंडर नदी सहित अन्य छोटे बड़े नालों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि आज इस वक्त बारिश बंद है, परंतु अब जैसा कि मॉनसून अपने चरम पर रहेगा तो नदी नालों का जलस्तर भी इजाफा हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बरसात में नदियों में बढ़ते हुए जलस्तर से हर साल 2013 और 2016 के जलप्रलय की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, जब पिंडर नदी से भारी तबाही मचाई थी और नारायणबगड़ में तो एक भरा पूरा बाजार ही जमींदोज हो गया था, जिसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं। ऐसे में नदी किनारे बसावट करने वाले लोगों को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। इस बार गंगा जल लेने के लिए करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों के आने का अनुमान है, जिसके चलते प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए नारसन बॉर्डर से कांवड़ पटरी पर पीएसी फोर्स, अर्धसैनिक बल सहित अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही बंद करा दी गई है। भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्टर
प्लान तैयार किया गया है। कावड़ पट्टी नारसन बॉर्डर से रुड़की तक 3 एम्बुलेंस हर समय कावड़ पट्टी और हाईवे पर गश्त करती रहेगी। इसके अलावा कई मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे कैंपों में उपलब्ध रहेगी। नोडल स्वास्थ्य प्रभारी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में मंगलौर CSC और रुड़की उपजिला अस्पताल में भी इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पूरी कावड़ पट्टी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ सांप काटने पर इमरजेंसी सुविधा भी कैंप में मौजूद रहेगी। यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज से हमारे जो दो तरीके की तैयारियां की गई हैं, एक तो कावड़ मार्ग की जो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश पर उनकी तैयारी कर ली गई है, और जो हमारे MRP सेंटर वहाँ से फंक्शनिंग हो गए हैं। हमारे इस एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नसीरपुर पुल पड़ रहा है, मंगलौर पुल पड़ रहा है और आसफ नगर, तो वहाँ पे कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। और जो हमारे कावड़ के जो श्रद्धालु हैं उनकी उनको सेवाएं देना प्रारंभ आज सुबह से किया जा चुका है। मंगलौर के टिकौला निवासी आराध्या चौधरी ने हाल ही में नेपाल में हुए U17 गेम के दौरान 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल इस्तेमाल कर गांव क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं आराध्या चौधरी अपने गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीण सहित क्षेत्रवासियों ने आराध्या का जमकर स्वागत किया। दरअसल आराध्या चौधरी ने बिना मैदान के ही तैयारियां कर ये मुकाम हासिल किया है। आराध्या चौधरी ने खेतों के रास्तों पर तैयारियां कर नेपाल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं आराध्या चौधरी अपने गांव पहुंची तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे और लगातार आराध्या को बधाई देने का तांता लगा रहा। लोगों ने मिठाई खिलाकर आराध्या को बधाई दी। इस मौके पर आराध्या ने बताया कि नेपाल में हुए गेम्स में 17 देशों की महिलाएं खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनको पछाड़कर मुझे गोल्ड मेडल मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में भी देश और क्षेत्र के लिए गोल्ड मेडल लाती रहेंगी। रुड़की की नहर पटरी सोलानी पार्क के पास समर्पण जनकल्याण संगठन के 24वें कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप पत्रा, विधायक उमेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कावड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति की यात्रा है। इसमें शिव भक्त कावड़िए जज्बे और भाव के साथ गंगा जल उठाते हैं। इस यात्रा में जब सामाजिक संगठन आगे आकर श्रद्धा भाव से इस तरह के शिविर लगाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए सभी संगठन बधाई के पात्र हैं। विधायक प्रदीप पत्रा ने कहा कि समर्पण जनकल्याण संगठन के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी विशाल कावड़ सेवा शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर इस तरह के शिविर शिव भक्तों को राहत देने का काम कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों को भी सेवा भाव का मौका मिलता है। समर्पण द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा यहाँ पर लगाया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू हुई और कांवड़ी आने शुरू हो गए। आज पावन सावन का पहला सोमवार है और सभी यात्रियों की यात्रा मंगल में हो, सभी गंगा जीवन पर गंतव्य की ओर जाएं। यात्रियों के लिए ये भंडारे बहुत बड़ा काम करते हैं। सभी यात्री जो है इसमें आराम करें, भोजन ग्रहण करें और दवाइयों की उपलब्धता यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सेवा सुशासन गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में समाज के ऐसे बुद्धिजीवी जिनका समाज में प्रभाव रहता है, अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा मोदी मित्र नियुक्त किया गया। ये सभी मोदी मित्र केंद्र सरकार की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आने वाले 2024 में सभी की अहम भूमिका रहेगी। ये सब क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में जाकर अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करेंगे। केंद्र की उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, आवास योजना जैसी योजनाओं को मोदी मित्र आगे पहुंचाएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने प्रेस को बताया कि मोदी मित्र पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ किया है, अभी प्रमुखता प्रदेश में 5,000 का लक्ष्य है। काजगढ़ में श्रावण मास में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालु कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन काजगंज में कांवड़ मेले के लिए ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से पहले ब्रीफ किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कांवड़ मेले की ड्यूटी में लगे पुलिस बल को उनके दायित्व के बारे में समझाया गया और पुलिस बल से ड्यूटी के दौरान पूर्ण निष्ठा श्रद्धालुओं से सरल व्यवहार के साथ कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा की है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि इस महत्वपूर्ण ड्यूटी को पुलिस मित्र छवि के साथ किया जाए और रूट पर पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। अमेठी में फिर एक बार बुलडोजर गरज रहा है। करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए दुकान और मकान को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कई थानों के पुलिस बल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद रहे। अमेठी के जगदीशपुर में अयोध्या रोड पर मुड़ते ही दिलदार गनी और उस्मान गनी द्वारा वहीं के निवासी रतन कुमार की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर आशलान मकान और कई दुकानें बनवा ली गई थी। अवैध कब्जे के खिलाफ रतन कुमार के परिजनों ने 1986 में न्यायालय में वो गए थे। उसके बाद से हार और जीत अपील का खेल चलता रहा। अंत में उच्च न्यायालय के आदेश पर सिविल जज मुसाफिर खाना ने अवैध कब्जे को हटाने का आदेश जारी कर दिया। नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश मुस्कुराहट बोलते हैं। आज जो बुलडोजर की कार्यवाही की गई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर की कार्यवाही सिविल जज अमरखंड मुसाफिर खाना के आदेश से इसका इजराय की कार्यवाही की गई है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया। वादी प्रतिवादी इससे संतुष्ट हैं? पहले कितने साल उसके
प्रतिवादी तो पहले ही उस्मानगंज और दिलदारगंज मकान को आदेश होने के पहले ही छोड़ आदेश होने के बाद ही छोड़ के चले गए थे और खाली पड़ा हुआ था क्योंकि डिमोलिशन होना था वह निर्माण का, जो कार्रवाई आज की गई है। प्रयागराज संगम से काशी विश्वनाथ तक जाने वाले कांवड़ यात्रा मुख्य मार्ग का जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें हांडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगतपुर रेलवे क्रॉसिंग से बघा रेलवे क्रॉसिंग भीटी भदोई बॉर्डर पर रूट निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे उनको फटकर भी लगाई गई है। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में पिता और बेटे की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मच गया। देर रात को रास्ता भटक गए पिता बेटे मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, बेटा घायल हो गया जिसे झांसी रेफर किया गया था। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। मामला सदर चौक के अंतर्गत का केलवा चौराहे का बताया जा रहा है। क्या मामला हो गया? कल रात में हमारे दो रिश्तेदार ग्राम बमीना क्षेत्र से आ रहे थे, देर रात किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु एवं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। पिता पुत्र की दोनों की मृत्यु हो गई और जो ड्राइवर थे साथ में वो बच गए, उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। पीलीभीत की हरदोई ब्रांच नहर के किनारे बाग के आए दिन चहलकदमी देखी जा रही है। सोमवार को भी नहर पटरी पर बाग की आवाजाही देखी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग की टीम ने तेरा मिल पर पिंजरा भी लगाया था जिसमें एक बकरी भी बांधी गई थी, लेकिन बाघ पिंजरे के आसपास भी नहीं भटका। बहराइच में शराब माफियाओं का बोलबाला है, जिला प्रशासन का दावा फेल साबित हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों के हाथों सरकारी ठेकों पर शराब बेची जा रही है। नाबालिग बच्चों का शराब खरीदते वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में नाबालिग ठेके से शराब खरीदते हुए आए नजर बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर पड़की थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब एक खिलाड़ी की संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि गणेश विद्यार्थी नगर एफ ब्लॉक निवासी विक्रांत उपाध्याय की साल 2017 में विद्युत परिषद इंटर कॉलेज में टॉपर टीम में थे। इनकी टीम कानपुर में टॉपर पे थी। उनके बड़े भाई विकास ने बताया कि उसने राज्य स्तर साल 2021 कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया था। कानपुर मंडल की कबड्डी प्रतियोगिता में उसका चयन भी हुआ था। इसके साथ ही वो अरबापुर में भी जीके ग्राउंड में खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाता था। उसने कल्याणपुर में आइसक्रीम पार्लर भी खोला था। घर वालों के मुताबिक कल एक रील बनाई और उसके बाद खुदकुशी कर ली। हालांकि मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सावन महीने की शुरू होते ही शहर के सभी शिवालयों मंदिरों की साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अभी से ही तैयार है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सभी मंदिरों में सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। वॉलंटियर्स लगाने के साथ ही सिविल पुलिस और पीएसी की तैनाती की जाएगी। मंदिरों में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई विवाद ना हो और सभी भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। का महीना शुरू है, इस बार अधिमास है, 8 सोमवार है। पहला सोमवार हमारा 10 तारीख को है। ज़्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार को, लेकिन चूंकि कल से सावन शुरू हो रहा है तो कल भी जो है काफ़ी श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाएंगे। हमारे यहाँ जो प्रमुख मंदिर हैं उन प्रमुख मंदिरों पर क्यू मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग। कानपुर बिलोपुर थाना क्षेत्र के उत्तरापुरा में रहने वाले बुजुर्ग विधवा महिला ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देते हुए अपहरण की गई अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। उत्तरीपुरा में रहने वाली विधवा बुजुर्ग शकुंतला देव ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को मनुष्य के पास में रहने वाले दबंग अंकित आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। बीती 2 जून को उनकी बेटी सुबह शौच के लिए गई थी, तभी पहले से वहां मौजूद अंकित करण और नरेंद्र उसे तमंचे के बल पर अपहरण कर ले गए। दिन दहाड़े दबंगों द्वारा बेटी का अपहरण किए जाने की सूचना पुलिस में देने के बाद भी क्षेत्रीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के गांव दुर्गापुर में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से गांव में गौशाला निर्माण, अघोषित विद्युत कटौती बंद कराई जाए, गांव में शमशान घाट बनवाया जाए, अंबेडकर पार्क के लिए स्वीकृति दी जाए, जमीन पर अवैध कब्जा है तो कब्जा हटाया जाए, वृद्धा पेंशन दी जाए, प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ शौचालय योजना का लाभ दिया जाए, खेतों में आने जाने के लिए पहले से बनाए गए चक्रोड पर अवैध कब्जा हो जाए, कब्जा हटवाया जाए, जैसे कि ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसानों ने पंचायत में प्रदर्शन करते हुए समस्याओं को निवारण करने की मांग की है। समय पर काम पूरा नहीं होता, मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आगरा में कार और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। कार चालक मौके से फरार हो गया है। टेम्पो में महिला बच्चे सहित 9 लोग सवार थे। सभी मृतक थाना खैरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाना खैरागढ़ के जियो पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। झांसी में आग ने तांडव मचाया, 30 से 40 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई। 10 घंटे चला रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सेना के जवानों की मदद से काबू पाया गया। एक महिला सहित 4 की मौत बताई जा रही है।
आधा दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। देर रात तक डीआईजी जोगेंद्र कुमार, डीएम रविंद्र कुमार, एसपी राजेश एस घटनास्थल पर ही डटे रहे। आग पर काबू हो जाने के बाद अधिकारियों ने बारीकी से अग्निकांड की जगह का खुद निरीक्षण किया। दरअसल बीते दिन थाना सिपरी बाजार क्षेत्र के रामा बुक डिपो चौराहे के निकट इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से आग ने अपनी आगोश में कई दुकानों को ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ धुएं के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इस अग्निकांड में 30 से 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगना बताया जा रहा है। लगभग 3:30 बजे कल आग लगी थी, धीरे धीरे विकराल रूप से धारण कर लिया। 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग लापता है। फिलहाल अभी भी इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।